दार्जिलिङ विधानसभा उपचुनावका निम्ति बिजेपी उम्मेद्वार निरज जिम्बामाथि हिजो भएको हमला अनि वाहन तोडफोड काण्डको भर्त्सना जनाउँदै शुक्रबार दार्जिलिङ मिरिक कालेबुङ लगायत विभिन्न ठाउँमा गोरा मोमोद्वारा पोस्टरिङ गरियो। दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय महिला सङ्गठन जिएनडब्ल्युद्वारा पोस्टरिङ गरेको थियो भने यता कालेबुङमा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा अध्यक्ष साङ्गे शेर्पाको अगुवाईमा पोस्टरिङ गरिएको थियो। आज आप लोग यहाँ पोस्टरिंग किया है, इसका वजह क्या है? वजह क्या है? कल जो हुआ आप लोग ने देखा होगा, वो टीवी में भी प्रसारण किया था, है ना। ये तो चुनाव का मैदान है, सभी को तो अपना अपना वोटर के पास जाके अपील तो करना मिलेगा ना। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। अब हम लोग जा रहे थे, वो जो एक लड़का आया उसने मुख कैसे कैसे बोला उसको, वो बियर करने का हम लोग का क्षमता नहीं था। हम गर्व करती हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है उसके पास गर्ड्स है। वो गाड़ी से उतर के भी चैलेंज किया, क्यों ऐसा बोला। वो जो लड़का ने ऐसा ही मुख खड़ा अशुभ शब्द बोला, वो उसने सोचा था कि कैंडिडेट डर के मारे वो भाग जाएगा, किंतु ही इज ब्रेव। सो आई अपील ऑल कैंडिडेट ऑल्सो टू द पब्लिक, प्लीज मेक इट प्लीज पीस, है ना, शांति कायम करके सबने अपना अपना वोट डाल दीजिएगा। अब यहाँ डर के मारे धमका के किसको भी ये नहीं चलेगा। सबको अपना अपना डेमोक्रेटिक राइट है ना, वोट तो देना ही पड़ेगा। किंतु जो अपोजिशन पार्टी है, जो कल दंग किया, ये डिस्टर्ब किया, उन लोगों में मेरा विनती है, वो लोग भी गोरखा ही है, लेकिन हम लोग को पहचान देना होगा कि हम लोग शांति प्रिय आदमी है। इसीलिए वोट किसी को हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, वो अपना मर्जी से डाले, किंतु फ्यूचर सोच के, भविष्य सोच के, बच्चों के लिए, सबको फ्यूचर सोच के वोट डाल दीजिए, यही मेरा निवेदन है। पोस्टरिंग किया, पोस्टरिंग वजह क्या है? वजह क्या है अब देखिए ना, जनता को वो डर के मारे क्या सोच रहा होगा। इसीलिए डर मत करो, डेमोक्रेटिक राइट है, ऐसा ही होगा। जो उन लोग का जे विचार है हम लोग बोल नहीं सकता, लेकिन जो पब्लिक है, जो इसका है, अपनी इच्छा से वोट कीजिएगा, डरिए मत, यही संदेश देने के लिए हम किए। कल का जो इंसिडेंट हुआ उसके इसमें आप लोग रैली या डेपुटेशन किसी को देंगे? दिया तो कल एफ आर किया, वो तो सब नहीं, नारी मोर्चा की तरफ से आप लोग रैली और डेपुटेशन देंगे? वो तो हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा, हम लोग भी ऊपर है ना, पार्टी का कार्यकर्ता है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर हायर लेवल। सो इफ दे ऑर्डर अस, वी आर रेडी टू डेपुटेट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। नमस्कार, मेरा नाम संगे शेर्पा। हिजो दिनाङ 2 मे 2019 को दिन जुन एउटा हाम्रो चुनाव प्रचार भइरहेको गरिरहेको बेलामा हाम्रो निरज दाजुमाथि जुन प्रकारले एउटा प्राणघातक हमला भएको, साथै उहाँको गाडी पनि तोडफोड गरिदिएको खण्डमा हामी कालिम्पोङ जिएनवाई युथ फ्रन्ट गोरुबासना गर्दछौँ। अनि यस विषयमाथि पुलिस प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन लिइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी जिएनएलएफ एउटा अनुशासनबद्ध पार्टी हो, अनुशासित पार्टी हौँ। जुन प्रकारले हामीलाई धम्काउने डराउने काम भइरहेको छ, तर हामी के भन्न चाहन्छौँ, हामी डराउने छैनौँ, हामी कहिले पनि डराउने छैनौँ, अहिले पनि भनिदिन्छु म, हामी डराउने छैनौँ, हामी अनुशासित पार्टी हौँ, यति नै म भन्न चाहन्छु।